जो जानकारी मिली कि दिल्ली के एलजी महोदय अपने घर पर उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। अब भाजपा ही कहते हैं आम आदमी पार्टी सरकार इसलिए दोषी है, उसलिए दोषी है, उसलिए दोषी है। उनका एलजी क्या कर रहा है, उनके कहने पे वो कैसी साजिश कर रहा है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। एलजी महोदय अपने घर पर एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो अधिकारियों को बुलाते हैं और कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को बुलाते हैं। आप कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ बंद कमरे में क्या बैठक कर रहे हैं? जिन कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है, सख्ती से जिनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है, जिनसे निपटना है, उनसे आप बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। और क्योंकि उस मीटिंग का खुलासा ना होने पाए, इसलिए आप दिल्ली सरकार के मंत्री को नहीं बुला रहे। दिल्ली सरकार के मंत्री को बिना बुलाए बंद कमरे में एलजी महोदय कोचिंग सेंटर्स के उन मालिकों के साथ मीटिंग गुपचुप कर रहे हैं जो बेसमेंट में क्लासेस चलाने के दोषी हैं, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के दोषी हैं, जो तमाम इलीगल एक्टिविटीज करने में दोषी हैं, जो कोचिंग सेंटर्स छात्रों से अनाप शनाप फीस लेने का काम करते हैं। आप उन कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को बुला रहे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री को नहीं बुला रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी महोदय दिल्ली सरकार को बदनाम करने की गहरी साजिश में दिन रात शामिल रहते हैं, दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये भी जो कल मीटिंग हुई है उसमें क्या उन्होंने चर्चा की, क्या मीटिंग हुई, क्यों कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ उन्होंने गुपचुप मीटिंग किया, क्यों एलजी उनको बचाना चाहते हैं, क्यों बीजेपी उनको बचाना चाहती है कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को, ये समझ से परे है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, दिल्ली एमसीडी की मेयर लगातार कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चलवा रही है, कोचिंग सेंटर्स को सील कर रही है। दिल्ली की मेयर खुद जा रही है मौके पे, अधिकारियों को सस्पेंड किया है। दिल्ली की मेयर ने तो कार्रवाई हमारी ओर से लगातार हो रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे कोचिंग सेंटर्स के मालिक हो।